आ रही है। आपको बताने कि महेंद्रगढ़ लोकसभा से बीजेपी प्रत्याशी चौधरी धर्मवीर सिंह ने महेंद्रगढ़ विधानसभा के कई गांवों का दौरा किया। इस मौके पर ग्रामीणों ने उनका पगड़ी पहनाकर और फूलमालाओं से स्वागत किया है। आपको बता दें कि इस दौरान धर्मवीर सिंह ने बीजेपी सरकार के 10 साल के कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड साझा किया, साथ ही बीजेपी के मैनिफेस्टो के बारे में लोगों को बताया है। इसके अलावा उन्होंने महेंद्रगढ़ के पाली गांव में पीएम मोदी की प्रस्तावित रैली का भी निमंत्रण दिया। इस मौके पर उन्होंने कहा है कि उन्हें 36 बिरादरी का आशीर्वाद मिल रहा है और वो पहले से भी ज्यादा वोटों से जीत जरूर दर्ज करेंगे। उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बयान पर पलटवार करते हुए कहा है कि देश एक व्यक्ति को देखकर वोट नहीं देगा, देश बहुत बड़ा है, ये व्यक्तिगत चुनाव नहीं बल्कि राष्ट्रहित का चुनाव है। बता दें कि कल दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जीवाल ने कुरुक्षेत्र जनसभा में बीजेपी को वोट नहीं देने के लिए कहा था। आज शायद ये 36 गांव हैं और मुझे तो लगता है कि पिछले चुनाव से भी मेरा अंदाजा तो यही है कि उससे ज्यादा वोट पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हाँ बिल्कुल, वो 23 तारीख को आ रहे हैं महेंद्रगढ़ के पास पाली गांव में। क्या एक व्यक्ति विशेष के लिए ही वोट देगा? क्या देश देश बहुत बड़ा है और हमारा फर्ज बनता है कि हम देश को एक विकसित देश बनाएं। ये व्यक्तिगत चुनाव नहीं है, ये केवल विचारधारा का चुनाव है। जब एक आंदोलन चल रहा था, मुझे याद है बहुत बड़ी रैली झज्जर में करी, बड़ी रैली रिवाड़ी में करी, राव तुलाराम पार्क में, तब हमने सब ने, जिसमें दान सिंह भी शामिल था, ये फैसला लिया था कि इस बार अगर सत्ता परिवर्तन होता है तो राव इंद्रजीत सिंह प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। बाद में क्या हुआ, किसने क्या किया, मैं उस बात में नहीं जाना चाहता, लेकिन कहने से पहले सोचना जरूर चाहिए कि हम क्या कह रहे हैं।